हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस की लास्ट वीडियो लेके, जिसमें बिल्कुल हम लास्ट शिफ्ट सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 24 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 थी, जिसमें आपसे 25 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस सेशन में आपको करा रहा हूँ, ताकि आपकी सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2021, सीपीओ 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। और क्वेश्चन जो है सारे के सारे लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे है, मतलब जो अभी रिसेंटली टीसीएस एग्जाम में सीपीओ सीएचएसएल सीजीएल में क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस रूपी क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर रूपी क्वेश्चन मैं आपको सारे यहाँ पर करा रहा हूँ। सॉल्यूशन देता हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टेटमेंट्स रहती है मेरी। और मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 out of 50 स्कोर था मैथ्स में, और मेंस में मेरा 197.5 out of 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें 500 क्वेश्चन मैं आपको सीजीएल 2020 में पूछे गए करा चुका हूँ। आज की वीडियो के बाद वाइंड अप हो जाएगा सीजीएल 2020 के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम बढ़ेंगे सीजीएल के बाद, मतलब सीजीएल 2020 के बाद हम बढ़ेंगे सीएचएसएल 2020 की तरफ, फिर सीएचएसएल 2019 के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हम सीजीएल 19, सीपीओ 19, सीपीओ 20 के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे लिंक है, आप लोग यहां पर ज्वाइन करें और लुफ्त उठाएं तैयारी का, जो कि आपको सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना हो, और मेनली हम बैंकिंग रेलवे सारों के ही सिलेबस ऑलमोस्ट कवर करते चलते हैं, एलआईसी एफसीआई ईपीएफओ एनडीए कैट सीसेट के। तो अभी के लिए मेनली फोकस हमारा एसएससी पे है सिर्फ, तो हम एसएससी के बादशाह हैं, ठीक है। तो लास्ट शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल है किस पे, बी पे। तो आपने देखा कि यार कुछ इस तरह बनी होगी ट्राइंगल, ठीक है, एबीसी। क्वेश्चन में बोला है बीडी की लेंथ आपको दे दी, और डी क्या है, पॉइंट है बीसी पे, तो डी यहां हो गया। बीडी की लेंथ आपको कितनी दे दी, 5। आपको बोला है एडी कितना है, 13 सेंटीमीटर, और फिर एसी बोला है आपको कितना है, 37 सेंटीमीटर। आपको बोला है सीडी की लेंथ निकाले, सीडी की लेंथ तब आएगी जब हमारे पास बीसी की लेंथ हो। बीसी की लेंथ कैसे निकलेगी, अरे भैया अगर हमें बीसी की लेंथ पता करनी है तो सबसे पहले मुझे ए बी पता होनी चाहिए। अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करूं, तो आपने देखा कि बेस 5, हाइपोटेन्यूज 13, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, 12। अब मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं, मुझे पता है 12 35 37 का एक ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 का एक ट्रिपलेट होता है। तो आप समझ गए कि ए बी अगर 12, ए सी अगर 37, तो बी सी कितनी हो जाएगी आपके पास, 35। अब 35 बी सी है, जिसमें से बी डी 5 हो गई, तो सी डी कितनी हो जाएगी, 30। 30 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी में एक सम डिवाइड करा गया, जिसका रेशियो किस प्रकार है, 4:12, 4:12:30:45। क्वेश्चन में बोला है कि ए और डी के जो हिस्सा है उसका डिफरेंस है कितना, 5535 रुपए। टोटल सम बताना है। आपने देखा कि ए और डी की रेशियो का डिफरेंस कितना है, आपने देखा 45 में से 4 गए तो 41, 41 की वैल्यू कितनी, आपने देखा रुपीस के हिसाब से शेयर में कितना डिफरेंस है, आपने देखा 5535 रुपए, और रेशियो के हिसाब से कितना डिफरेंस है 41 का, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 135। और फिर आपसे पूछा है कि टोटल सम, टोटल सम बने ए का कितना है वैल्यू, 4, ए की रेशियो 4, बी की रेशियो 12, सी की रेशियो 30, और डी की रेशियो 45, जिसको जोड़ के टोटल कितना आ जाएगा, 91। तो टोटल सम रेशियो के हिसाब से कितना होगा, 91, और रुपीस के हिसाब से कितना होगा, अगर एक की वैल्यू 135 होगी तो 91 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91 × 135, जिसको मैं बोलूंगा क्या, 12285। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में बोला है क्या, टैंक को 3 पाइप अगर भरे, कौन कौन से, ए बी सी, तो भाई 4 घंटे में भर देंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है जो पाइप सी है वो कितना फास्ट है, 3/2। आपको पता है 1 से ही 1/2, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना लिखा है, 3/2। तो पाइप बी जो है अगर मैं उसको 1 मान लूं, तो सी कितना फास्ट है इससे, 3/2, तो 3/2 × 1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो आप इसको रेशियो को फ्रैक्शन हटा दे तो 2:3 बन गया। फिर आपने देखा क्या कि ए रेशो बी,
क्या बोला है कि बी जो है 3 times एज फास्ट है, मतलब अगर ए 1 गुना फास्ट है तो बी कितना फास्ट है, 3 गुना। अब आपने देखा कि यार मैं क्या करता हूँ, कंबाइंड रेशो बना लेता हूँ, दोनों रेशो में क्या कॉमन है, बी, बी को इक्वल कर दो। बी को इक्वल करने के लिए यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई और इधर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने देखा 2 रेशो 6 रेशो 9 हो जाएगा। तो ए रेशो बी रेशो सी की आपके पास एफिशिएंसी कह लो, या फिर आप ये कह सकते हो कि 1 घंटे का काम ए बी सी का आपके पास कितना आ गया, 2 रेशो 6 रेशो 9। ठीक है, सही है। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में बोला कि ए कितने टाइम में इस टैंक को फिल कर देगा, जिस टैंक को ए बी सी तीनों मिलके 4 घंटे में भर रहे थे। आपको मैंने बताया था कि जिसका टाइम दिया हो, ठीक है, जिसका टाइम दिया हो उसके रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई। आपको दिया है ए बी सी अगर साथ में मिलके भरे तो 4 घंटे में भर देंगे, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्या होगी ए बी सी की, 9 6 15 और 2 17। ठीक है, और जिसका टाइम निकालना हो, आपको मैंने बोला था जिसका टाइम दिया हो उसकी रेशियो ऑफ, मैं ऐसे बोलता था ना, जिसके दिन दिए हो। अब यहां पे टाइम की या आर की बात कर लो कि जिसके आर दिए हो, क्योंकि यहां पे यूनिट आर में है, उसमें टाइम एंड वर्क में यूनिट जो है जनरली डे की होती थी। तो आपने देखा कि जिसके आर दिए हो, किसके दिए, एबीसी के, उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया तो एबीसी की रेशियो कितनी होगी, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 की 2 2 की 6 8 हो गया, दोनों को जोड़ के 8 में 9 जोड़े तो 17 हो गए। और जिसके दिन निकालने हो, मतलब जिसके आर निकालने हो, इस क्वेश्चन में आर आएगा, जिसके आर, जिसके घंटे निकालने हो उसकी रेशियो ऑफ एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दें तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, कितना आ गया, 34। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर, मतलब आपको x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू आपको कितनी दे दी कि बोल दिया आपको x की वैल्यू जो है 20 किलोमीटर पर आ रहा है। फिर आपको बोला क्या कि वो डाउनस्ट्रीम जाता है 150 किलोमीटर और वापस आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब 150 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम गया और वापिस आना, मतलब अपस्ट्रीम भी 150 किलोमीटर आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आया, जहां से शुरू किया था वहीं आ गया, तो 150 किलोमीटर जाने का, 150 आने का, और राउंड ट्रिप में उसको मतलब आने जाने का टोटल मिला के कितना टाइम लगा, 16 घंटे। तो आपने देखा टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम और टाइम ऑफ अपस्ट्रीम का मिला के उसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम 16 घंटे। तो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम निकाल लो, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 140। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम में हम सबको बताया क्या कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर जो कि x होती है, और स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ रिवर जो है y, दोनों जुड़ती हैं। तो आपने देखा x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20 + x, और अपस्ट्रीम में क्या होता है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जो है माइनस हो जाती है, और टोटल टाइम लगा कितना, 16 घंटे। अब x की वैल्यू आप इसको पूरे को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाने से अच्छा, क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं वैसे इसमें, और इसको सॉल्व करने से अच्छा आप x की वैल्यू ना पुट करें ऑप्शन से। आपने देखा कि अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं तो फ्रैक्शन आ जाएगी, और x की वैल्यू 4 रखा या 24 हो गया या 16 आ गया, फ्रैक्शन आ जाएगी। छोड़ x की वैल्यू मैं 4 नहीं रखता, मैं 6 रख के देखूं 26 और यहाँ पे कितना 14, फिर फ्रैक्शन आ गया, 28 और 12 फिर फ्रैक्शन आ गया, मैं 5 रखता हूँ, मैंने रखी x की वैल्यू 5, तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो गया, 150 / 25 काटूं तो कितना आ जाएगा, 6। फिर आपने देखा 150 / 15, 20 - 5 कितना हो जाएगा, 15, 10, 10 और 6 को जोड़ दूं 16 जो कि मेरी वैल्यू थी, मतलब 5 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीएल 2020 में, पर मैं दोबारा बताता हूं आपको। आपके पास 2 SP हैं, 2 सेलिंग प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है 455, एक सेलिंग प्राइस है कितना, 490। 490 वो सेलिंग प्राइस है जिसपे उसको प्रॉफिट हो रहा है, 455 वो सेलिंग प्राइस है जिसपे उसको नुकसान हो रहा है। हम क्या करते थे, हम दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखते हैं। आपको पता है 490 और 455 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 490 और 455 का डिफरेंस आपके पास 35 आ गया। अब आपको बोला है कि अगर वो 490 में बेचे तो उसको प्रॉफिट होगा कितना, जितना लॉस हुआ था उसके 4 गुना ज्यादा, मतलब अगर लॉस उसको 1 हुआ था प्रॉफिट कितना होगा, 4 गुना ज्यादा, मतलब 4। तो 35 को अब 4:1 में स्प्लिट कर लो। आपने देखा 4:1 में अगर 35 को स्प्लिट करना है तो 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 35, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, मतलब यहां पर आ गया आपके पास 1 की वैल्यू 7 और 4 की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब ये जो है आपके पास प्रॉफिट आ गया, ये जो है आपके पास लॉस आ गया, ये सेलिंग प्राइस है। अब यहां तो आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा के कॉस्ट प्राइस बता दो,
और या फिर आप सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड करके कॉस्ट प्राइस बता दो, दोनों में वैल्यू इक्वल होने वाली है। तो आपने क्या किया यहां पे 500 आपने कॉस्ट प्राइस निकाला सॉल्व करके 462 आ गया आपके पास, और यहां से भी अगर आप निकालते तो आपके पास 462 आ गया, कॉस्ट प्राइस 462 आ गया। प्रॉफिट चाहिए कितना 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ठीक है। तो आपने देखा 125/100, तो ये 5/4 हो गया, और ये कितने पे जाएगा 462 को जब ये काटेगा तो ये कुछ आ जाएगा 115.5, और फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 577.5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा अगर प्रॉफिट आपको 25% चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है क्या, मैं फिर बता देता हूं कि कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस जो होता है वो 100 प्लस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी 920, मार्क प्राइस कितना 1472, और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना है, और प्रॉफिट आपको पता है कितना है 20, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व जब करेंगे तो आप देखो कि 1472, अगर मैं इसको 92 पे काटूं तो ये जाएगा 10 पे और ये जाएगा कितने पे 16 पे, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि ये 5 पे जाएगा और ये 8 पे चला जाएगा, और 8 पे अगर मैं इसको काटूं तो 15 8 होता है, और ये कितना आ गया यहाँ पे 15 5 75, 100 माइनस x, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 25। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करते हैं, पहले तो आपको ऑफ को सॉल्व करना पड़ेगा, ऑफ माने मल्टीप्लाई। तो आपने देखा कि 3/4 माइनस 1/4 डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवाइड बाय 1/10 है, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई बाय 10 लिखें, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 2/5, तो 3/4 डिवाइड बाय 2/5 है, तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5/2। तो आपने देखा कि यहाँ पे आ जाएगा 15/8, और 10/4 माइनस 3/4 माइनस 10/4 कितना हो जाएगा -7/4। तो आपने देखा -7/4 है, मल्टीप्लाई करा तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी, -14/15 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन। आपने मान लिया कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, आपने न्यूमिनेटर को मान लिया ए, डिनोमिनेटर को मान लिया आपने बी, ठीक है, या फिर पी क्यू कुछ भी मान लो। आपने देखा एक फ्रैक्शन है, आपने मान लिया कि फ्रैक्शन जो थी ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो थी, मैंने मान ली क्या कि वो ए बाय बी है, ओरिजिनल फ्रैक्शन मैंने लेट कर ली ए बाय बी है। अब क्या हुआ, इस पॉजिटिव फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल है वो कितना होगा बी बाय ए, टाइप हो गया गलती से, ठीक है, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन की बजाय उसका रेसिप्रोकल टाइप हो गया, ठीक है, इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। और उसकी वजह से क्या हुआ, वैल्यू जो है, जो वैल्यू क्या थी ए बाय बी, इसमें जो है रिडक्शन आ गया, कितना रिडक्शन आ गया, इसमें रिडक्शन आ गया 175/4% का, तो 175/4% जो है आपके पास 175/400 आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है रिड्यूस हो गई, कितनी रिड्यूस हो गई आपके पास, इसकी वैल्यू जो है आपके पास रिड्यूस हो गई ओरिजिनल वैल्यू में से 175/400 वैल्यू। तो आपने इसको सॉल्व किया, आपने इसको सॉल्व किया तो ए बी आपने कॉमन रखा, तो आपने देखा ए बी अगर मैं कॉमन रखता हूं तो 1 माइनस, तो इसको जब सॉल्व किया तो 400 माइनस 175/400, और ये हो कितना गया, मैंने क्या किया ए बी को इधर साइड ले गया, तो आपने देखा b² / a² और इधर कितना है 225/400, तो आपने देखा b बाय ए की वैल्यू कितनी आ गई 15/20, ठीक है, ये हो गया आपके पास 3/4, क्योंकि ये जो है सॉरी b बाय ए जो है अंडर रूट ऑफ 225/400, तो 225 का अंडर रूट 15, 400 का 20, तो 3/4। आपसे पूछा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वैल्यू हमने a बाय बी मानी थी, तो b बाय ए की वैल्यू अगर 3/4 है तो a बाय बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3।
अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो थीटा जो है आपको इक्वेशन में दिया, पर ऑप्शन जो है थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो आप थीटा की वैल्यू 45 मानो ना सीधा। तो आपने 45 माना, तो आपने देखा कि साइन 45 और सेक 45, ठीक है, और आपको पता है यही सेम वैल्यू होगी क्या, कॉस थीटा जो है कॉस 45 कितना होगा 1/√2 प्लस कोसेक 45 √2, तो ये दो गुना है ना, मतलब इसको इसी चीज को अगर दो बार जोड़ूंगा तो दो गुना हो गई, और यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मैं √2 ले लूं नीचे तो 1 प्लस √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना आ गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि √2 का मतलब ये जो √2 है इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा, इससे कट गया, और क्या बचा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये भी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर आंसर बना गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा क्या कि पूछा क्या है, x³ + 1/x³ आप लोगों से पूछा है, ठीक है। आपको पता है x³ - 3 अगर मुझे सॉल्व करनी है तो 1/x³ होती है। आपने देखा कि यार मुझे अगर x + 1/x पता चल जाए ना, मैं आग लगा दूं क्वेश्चन में आग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है यहाँ पे पूरी इक्वेशन को क्या किया, मैंने x² से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को जो था ना, मेरे को लालच था कि मैं x² + 1/x² बना दूं। अगर मैंने x² + 1/x² बना दिया जो कि 62 आ गया, अब 62 के पास आपको पता है कि एक जो स्क्वायर वैल्यू होगी वो क्या स्क्वायर वैल्यू होगी, कि मैं इसमें 2 जोड़ दूं और 64 आ जाए, 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, तो अगर 2 उधर जोड़ा इधर भी जोड़ना पड़ेगा। अब आपने देखा ये क्या लिखा है, a² + b² + 2ab लिखा है, तो ये क्या होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी, 64, तो x + 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8 आ गई। आपसे पूछा गया x³ + 1/x³, अब अगर x + 1/x a है तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस 3a। तो आपने देखा 512 में से भाई साहब ने हमसे 24 घटवाया है, मतलब 488 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया दिया है क्यूब का। आपको पता है सरफेस एरिया बोले या वो टोटल सरफेस एरिया बोले, बात एक ही है। आप इसको कर्ड सरफेस एरिया मत मानना, क्योंकि अगर कर्ड सरफेस एरिया तो कर्ड यहाँ पे वो मेंशन करता, सरफेस एरिया माने टोटल सरफेस एरिया जिसकी वैल्यू कितनी होती है। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², ठीक है। तो आपने देखा अगर मैं इसको 6 पे काट दूं तो आप देखो कि ये 2.25 पे जाएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 2.25 जो है 1.5 का स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 मीटर। आपसे पूछा लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल जो होता है क्यूब का क्या होता है, साइड इंटू √3, मतलब डायगोनल अगर मैं क्यूब की बात करूं तो वो साइड के मल्टीप्लाई में √3 होता है, तो साइड कितनी, 1.5 × √3। अब ये वाला क्वेश्चन है देखो, इसमें x³ - 1/x³ पूछा है आपसे, मतलब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इसके लिए पता होना चाहिए x - 1/x। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, मैं इसको किस फॉर्म में बना सकता हूँ, मैं इसको मैक्सिमम जो है ना x⁴ + 1/x⁴ की फॉर्म में बना सकता हूँ, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। अब 34 के नियर अबाउट क्या स्क्वायर है, आपको पता है 34 से मैं 36 बना सकता हूँ, कैसे, 2 ऐड करके, 2 ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, या फिर आपको पता है कि x⁴ + 1/x⁴ से मुझे फायदा क्या है बना के, मुझे x² + 1/x² फायदा है, x² - 1/x² फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं x² - 1/x² से ना x - 1/x नहीं बना सकता, जबकि मैं x² + 1/x² से x - 1/x बना सकता हूं, ठीक है। तो आपने देखा ये लिखा इधर 36, तो आपने देखा ये काट दो तो मैं ये √36, ये 6 हो गया। अब x - 1/x बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहां भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से माइनस करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी 2 माइनस। तो आपने देखा ये क्या लिखा है, a² - b² - 2ab, तो ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, और इधर कितना आ गया आपके पास, 4। तो ये जो 4 जो है अगर मैं इसको काट दूं तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा x³ - 1/x³, अगर x - 1/x की वैल्यू a है तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, a³ + 3a, 8 + 6 कितना आ जाएगा आपके पास, 14। अब ये वाला क्वेश्चन है देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब मजे ले रहा है एग्जामिनर। आपने देखा सर्कल है जिसका सेंटर है OP, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, BD जो है डायमीटर है, तो मैंने क्या किया, मैंने BD ड्रॉ करा, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने BD जो है वो ड्रॉ कर दिया।
मतलब आप तो ज्योमेट्री इतनी आसान पूछ रहा है ना, इतनी आसान पूछ रहा है ना, बस कराने का भी दिल नहीं करता, इतनी ज्योमेट्री आसान पूछ रहा है। ठीक है, तो बी डी जो है डायमीटर हो गया, ए बी सी डी जो है वो क्या हो गया आपके पास, इस ऑर्डर में है। मतलब ए अगर मैं यहां लिखूं तो ये हो गया बी, यहां पे कहीं सी आएगा और फिर उसके बाद डी होगा। ठीक है, क्योंकि कौन साइक्लिक है और इसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। ठीक है, लिखा हुआ है ना ए बी सी डी इन दिस ऑर्डर आर कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक का मतलब क्या होगा कि चारों पॉइंट जो है सर्कमफेरेंस पे, किसकी सर्कल की। उसके बाद आपको बोला है कि बी ए सी, एंगल बी ए सी जो है मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है 22 डिग्री। आपसे पूछा गया, आपको बोला है कि एंगल सी ओ डी हमें बताएं। ठीक है, आपने देखा पहली बात तो क्या कि कॉर्ड है, क्या कॉर्ड है, मान लो बी सी। अब बी सी कॉर्ड है, बी सी जो कॉर्ड है वो सर्कमफ्रांस के पॉइंट पे 22 बना रही है, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, सेंटर पे आपको पता है 44 बनाएगी, 22 का दो गुना। ठीक है, एक कॉर्ड जो सर्कमफ्रांस पे पॉइंट एंगल बनाती है, सर्कमफ्रांस के किसी पॉइंट पे एंगल बनाती है, सेंटर पे उसका दो गुना एंगल बनाती है। और आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर एंगल हो गए दोनों। अगर ये 44 दोनों का सम कितना होगा, मतलब लीनियर पेयर एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर एंगल कितना होता है 180। तो ये 44 तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 44 जो कि कितना हो जाएगा 136 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करने के ना बहुत सारे तरीके, मैं आपको सिंपलर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है, एवरेज बताइए 1 से 50 नंबर के बीच में, मतलब 1 से 50 नंबर के बीच में, नंबर है 1 से 50 जो मल्टीपल है किसका, 2 और 5 का। पहली बात तो 2 का मल्टीपल मतलब नंबर इवन होना चाहिए, 2 का मल्टीपल पहले मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8 और ये 50 तक है। ठीक है, अब ये जो नंबर है सारे के सारे, ये टोटल नंबर आपको पता है कितने नंबर है, टोटल ये टोटल 25 नंबर है। इसके बाद आपको ये भी बात पता है कि इसमें 2 के मल्टीपल तो है या 5 के भी कुछ मल्टीपल है, 5 के इसमें कौन से मल्टीपल है, इसमें 5 का हर इवन मल्टीपल है, 5 का हर इवन मल्टीपल मतलब जो इवन नंबर है 5 का मल्टीपल 50 तक, जैसे 10 20 30 40 50 वो सारे नंबर इसके अंदर है। अब 1 से 50 के बीच में 5 के मल्टीपल नंबर रह कौन से गए, तो आपने देखा कि जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है कौन से, 15 25 35 45 और 5। तो आपने देखा कि इन नंबर्स का सारों का एवरेज पूछा, आपको पता है ये कितना नंबर है 25, ये कितने नंबर है टोटल 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने हो गए आपके पास 30 हो गए। ठीक है, अगर आप सम अपॉन टोटल नंबर लिख देंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। अब इसका सम निकालना है, इसका सम कैसे निकालोगे, आपको पता है ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस है और आपको यहां पे पता है कि ये कॉमन डिफरेंस है 2, 2, 2, 2, तो ये एपी बना हुआ है, इसका सम कैसे निकालेंगे। सम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25/2 और पहली टर्म और आखिरी टर्म का जोड़, तो आपने देखा ये 52 है तो ये 26 पे गया और 26 × 25 कितना होता है, आपको पता है कि 26 × 25 जो है आपके पास आ जाएगा 650। ठीक है, तो इनका सम आपके पास कितना आ गया 650। अब इनका सम देख लो, 5 में 15 जोड़ा 20, 45, 80, 80 में अगर मैं 45 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 125। अब वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 775/30। ठीक है, तो 775/30 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 25.83 इज योर करेक्ट आंसर, तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा एवरेज। ये तो देखो, अब इसमें तुम तो मजाक ही कर रहे हो। ठीक है, इसको यहाँ बिड़ा दो, साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच, पी कितना है और एच कितना निकाला हमने,
ठीक है, तो आपने देखा 4 9 36, और अगर मैं 13 एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39। 8 + 26 / 13 75 ऊपर हो गया, 34 नीचे आ गया, तो 75 / 34 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि राइट एंगल है किस पे, बी पे, ठीक है, और बी डी जो है वो अल्टीट्यूड है किस पे, ए सी पे, तो ये हो गया अल्टीट्यूड। आपको ए सी की लेंथ दी है, आपको बोला है ए सी जो है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको सी डी बता दिया कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो आपको ए डी पता चल गया कितना है, 6 सेंटीमीटर। आपसे बोला ए बी निकालो, आपको पता है कि ए डी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ए डी को निकालने का फॉर्मूला होता था ए बी का स्क्वायर बाय ए सी, और आपको पता है सी डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, बी सी का स्क्वायर बाय ए सी, तो इसी फॉर्मूले से मेरा आंसर आ जाएगा। आपको पता है ए डी क्या है, ए डी की वैल्यू 6, ए सी की वैल्यू कितनी है, 9, ए डी जो है 6, ए सी की वैल्यू 9, और ए बी आपको निकालना है, तो ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, 9 6 54 का अंडर रूट, तो आपने देखा 3√6 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा sec 31 जो है आपको एक्स दे रखा है, ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता है cosec जो होता है वो 1/sin होता है, तो ये तो कट गया, यहां तो -1 रह गया, अब इधर क्या बात करते हैं, इधर देखते हैं हम, ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 59 डिग्री, और इधर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 31 डिग्री। मैं इसको भी कॉस स्क्वायर 31 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन थीटा जो होता है कॉस 90 - थीटा होता है, ठीक है, तो आपने देखा 2 cos² 31° - 1। आपको पता है sec 31 अगर x है तो cos 31 डिग्री कितना हो जाएगा, sec का उल्टा या sec का रेसिप्रोकल, और इसका करना है आपको स्क्वायर, मतलब कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं बिल्कुल म्यूट कर देंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ना सर्कल विद सेंटर, मान लीजिए यहाँ कहीं सेंटर होगा, ए बी जो है डायमीटर है, ए बी को प्रोड्यूस किया गया पी तक, ठीक है, जो कि आउटसाइड है सर्कल के पॉइंट, और पी टी जो है टेंजेंट रो हुई है, सर्कल को टच करती है किस पे, सी पे। आपको बोला बी पी टी की वैल्यू कितनी है, 28, ठीक है, आपको बोला बी सी पी निकालो, बी सी पी माने ये वाला एंगल निकालो। पहली बात तो आपको पता है कि ओसी जो है वो क्या हो गई, आपको पता है ओसी जो है वो रेडियस हो गई, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या एंगल होता है, आप सबको पता है 90 डिग्री होता है। अब मैं ट्राइंगल ओसीबी ट्राइंगल की अगर बात करूं, तो आपने देखा ये 90 हो गया, ये 28 डिग्री हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा, आपको पता है ये 90 ये 28 सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 62 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि मैं ट्राइंगल ओबीसी की बात कर रहा हूं, OB इक्वल टू OC हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों है रेडियस, ठीक है, तो OB इक्वल टू OC, तो ये दोनों साइड इक्वल, तो इन दोनों के सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। आपने देखा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180, जिसमें से एक एंगल हो गया 62, तो एंगल बचे कितने, आपने देखा दोनों एंगल का जोड़, मतलब बाकी दोनों एंगल का जोड़ कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा बाकी दोनों एंगल का जोड़ 118, तो आपने देखा 118 और दोनों एंगल इक्वल है, तो ये भी 59 हो जाएगा, ये भी 59 हो जाएगा। अब ये C जो एंगल है, ये PCO जो है, ये पूरा 90 है, जिसमें से OCB जो है 59 हो गया, तो आपके पास BCP आ गया 90 - 59, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 31 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला 9 डिजिट नंबर है आपके पास, 72 का डिविजिबल है 9 डिजिट नंबर, ठीक है, तो आपने देखा 72 जो है वो इसके दो फैक्टर है क्या, 9 और 8, मतलब 9 और 8 पे डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आपको पता है अगर किसी नंबर को 8 का डिविजिबल होना है तो लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, तो आपने देखा कि 3 8, अब आपको पता है कि यहाँ पे y, तो 3 8 आपको पता है 32 जाता है किस पे, 8 4 32, तो बचा 6 6 के साथ 4, 8 8 64, तो यहाँ पे 384 लास्ट 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 8 पे जाएंगे, मतलब y की वैल्यू तो आपके पास कितनी आ गई, 4, और पहले क्या नंबर है, ये ठीक है 1 भी है, तो अब देख लो 9 पे डिविजिबिलिटी चेक कर लो, तो 9 पे डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब क्या है कि सम ऑफ
ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9. तो आपने देखा 9 तो यहाँ से चला गया, 8 और 1 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ठीक है जी, और 8 और 4 12, 12 और 7 19, ठीक है. 19 में क्या ऐड करूँ मैं ऐसा, तो 19 में आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, तो 19 और 8 को जोड़ के 27 बनेगा, जो कि 9 पे जाता है. मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8, y की वैल्यू आ गई 4, तो 4 इंटू 8 प्लस 4, y की वैल्यू जो है 4 है आपके पास, x की वैल्यू 8 है, तो कितना हो गया 32, 36, 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6. अब इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंशन देखो इसका, तो आपने देखा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 27 हो गया, माइनस 3 ए बी और a माइनस बी, ठीक है. तो आपको बोला है क्या, आपको बोला है कि भैया आप ना एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट बता दो. यहां भी कोई एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट नहीं, यहां भी नहीं. अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट मेरा आ जाएगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा. तो आपने देखा इसको इससे करो तो माइनस 5 इंटू 5 जो कि माइनस 25 आ जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है. अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली. पहले तो आप ईयरली लिख लो और हाफ ईयरली लिख लो. बात हो रही है कितने महीने की, 18 महीने की. ईयरली में क्या होगा कि पहले तो मैं पूरे साल की बात कर लूंगा, फिर मुझे 6 महीने की और बात करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल ड्यूरेशन जो है वो 18 महीने, एक साल में 12 महीने, तो 6 महीने में अलग लिखना पड़ेगा. हाफ ईयरली में क्या होता है कि हमें 6-6 मंथ की बात करनी होती है, तो यहाँ पे मुझे 6 महीने की बात 3 बार करनी पड़ेगी. अब हाफ ईयरली में आपको पता है रेट कितना हो जाता है, आधा हो जाता है. रेट कितना है, 20% पर एनम, मतलब पूरे साल का रेट कितना 20%, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का रेट कितना 10%, और यहाँ पे आपको इस साल का रेट तो 20% ही लेना पड़ेगा क्योंकि पूरा साल है और कंपाउंडेड ईयरली है, पर अगला साल पूरा नहीं है, 6 महीने है, तो आपको रेट भी आधा करना पड़ेगा, जो कि साल का आधा 6 महीने होता है, तो रेट भी आपको आधा करना पड़ा. आधे की वैल्यू कितनी आ गई, 10%, ठीक है. तो आपने यहां से देखा कि 6 महीने 3 बार है और यहां पे 1 साल, तो चलो शुरू करते हैं. आपने देखा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है भैया 12,000, तो 12,000, रेट कितना है 10%, 6 महीने की बात हो रही है, तो आपने 12,000 का 10% किया तो कितना आ गया, प्रिंसिपल पे ब्याज कितना आ गया पहले 6 महीने के लिए 1200. ये लाइन तो सबको पता है, ये लाइन तो सेम होती है, ठीक है. मतलब 6 महीने प्रिंसिपल पे ब्याज, ये भी 6 महीने प्रिंसिपल पे ब्याज, ये भी 6 महीने प्रिंसिपल पे ब्याज. अब ब्याज पे ब्याज, तो 1200 का 10% कितना हो जाएगा 120, 1200 और 1200 कितना हो जाएगा 2400 का 10% कितना हो जाएगा 240, फिर 120 का 10% कितना हो जाएगा 12. तो आपने देखा कि ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 18 महीने का, अगर मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली चलूँ तो. फिर आपने देखा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का, तो प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, रेट कितना है 20%, तो ब्याज आ कितना गया 12,000 का 20% कितना हो जाएगा 24. फिर आपने देखा 6 महीने के लिए 10%, तो प्रिंसिपल पे ब्याज कितना आ जाएगा 10% के हिसाब से 1200, और 2400 का 10% कितना हो जाएगा 240. अब इन दोनों का आपसे डिफरेंस पूछा है. आपने देखा 1200 और 2400 कितना हो गया 3600, 1200 1200 1200 3600, मतलब डिफरेंस में से ये तो गया, फिर 2400 भी है गया, तो फाइनल जो डिफरेंस है वो कितना बचा 120 प्लस 12 जो कि कितना हो जाएगा 132. क्वेश्चन में बोला है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय मोर देन 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर. आपने देखा कि मैं 2015 से 2016 की बात करता हूं, अगर मैं देखूं तो 1250 है, अगर मैं 10% देखूं इसका 1250 का 10% कितना हो जाएगा 125, तो 1375 जो है वो कितना हो जाएगा
मतलब अगर 1250 का मैं 10% ज्यादा देखूं तो वो कितना हो जाएगा? आपको पता है 1375 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, 1375 से ज्यादा वैल्यू है। कितनी है? 1400। मतलब जो प्रोडक्शन है पिछले साल के हिसाब से, मतलब प्रोडक्शन है जो 2016 की 2015 के हिसाब से 10% से ज्यादा है। मतलब 2016 एक ऐसा साल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो प्रीवियस ईयर से 10% ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। तो 2016 तो आंसर आ गया, ठीक है। अब और किसी ऑप्शन में 2016 है ही नहीं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट में, नॉर्थ में और वेस्ट में, ठीक है। तो टोटल नंबर इसका और टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट एंड साउथ। अच्छा, तो इनका डिफरेंस पूछा। अभी डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। वेट अ सेकेंड, तो आपने यहां पे देखा कि जो मेल टीचर्स हैं, ठीक है, हमने देखा मेल टीचर्स हैं वो टोटल कितने टीचर हो जाएंगे मेल, तो आपने देखा कि 5 आ गया पहले, तो ठीक है, 8, 7, 15, 20, 0 आ गया, 2, और इधर 12, 23, 10, 33 और 16, 49, 39 और 40 हो जाएगा। तो 4005 जो है वो मेल टीचर्स आपके पास आ गए। फीमेल टीचर्स कितने हैं ये तो आसानी से जुड़ जाएगा, ये हो गया 160 और 4, 3, 4, 6, 0, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। 3, 4, 6, 0 में से, मतलब 4005 में से 3, 4, 6, 0 अगर मैं घटाऊं तो 545 आ जाएगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ई इन ऑल 5 सब्जेक्ट। अब आपको पता है हम पहले भी कर चुके हैं सारा क्वेश्चन, मतलब ये सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये सब कुछ परसेंटेज, ये जो डाटा लिखा है सारा परसेंटेज लिखा है। आपसे पूछा है स्टूडेंट ई के टोटल मार्क्स बताए 500 सब्जेक्ट में, आपने देखा 50 है टोटल मार्क्स, 54% आए हैं, तो आपको पता है कि मार्क्स जो है कितने होंगे 27। अब 150 मार्क्स है, इसमें से 64% आए हैं, तो 150 का 64%, देखो मुझे तो याद है कितना, 96 हो जाएगा, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो 96 मार्क्स यहाँ हो गए। 80 का 55%, तो 80 का जो 55% होगा वो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, पहले भी कर चुके हैं। 75 का जो 72 है, 75 का जो 72% है वो कितना हो जाएगा, 18 + 54, और 100 का जो 85% है वो कितना होगा, 85। इन सबको जोड़ दो, 27 में 96, फिर 44, फिर 54 और फिर 85 अगर मैं जोड़ूं तो इनकी वैल्यू 306 आ जाएगी। मतलब टोटल मार्क्स जो ऑब्टेंड किए स्टूडेंट ई ने 500 सब्जेक्ट में वो कितने, 306। और ऐसा ना कर देना कि आप परसेंटेज ही जोड़ दो, और इक्वेशन आपको ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि डीआई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्वेशन एक बारी पूरी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने ऊपर वाली नहीं पढ़ी इक्वेशन तो बस हो गया काम फिर आपका। तो आपको इक्वेशन पढ़नी बहुत जरूरी है, ये परसेंटेज लिखिए, अगर आप इसको जोड़ दोगे ना और पता लगा आपने 54, 64, 55, 72 और 85 को जोड़ा और ऑप्शन में से एक वैल्यू आपकी निकल गई, तो आप वैसे ही गलत कर दोगे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है, मतलब ये सीजीएल 2020 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय सी डी एंड एफ इन साइंस, सी डी और एफ, एफ सॉरी ई नहीं, इन साइंस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल मार्क्स ऑब्टेंड बाय बी इन साइंस, हिंदी एंड सोशल स्टडीज। तो आपने देखा कि बी के सोशल स्टडीज में कितने मार्क्स होंगे, 49, और इसमें कितने होंगे, तो आप देखो बी के हिंदी में कितने होंगे, 75 टोटल मार्क्स हैं, इसका 68% कितना होगा, 17 + 51, ठीक है। और फिर 80 का 75% कितना होगा, सबको पता है 60 होगा ये तो, ठीक है। तो बी के जो मार्क्स आए वो कितने आए, 51 में अगर मैं 49 जोड़ू 100 आ जाएगा, 100 में 160 आ गया, मतलब बी के टोटल मार्क्स कितने हो गए साइंस, हिंदी और सोशल स्टडी में, 160।
और सी डी एफ के साइंस में मार्क्स देख लो। तो आपने देखा साइंस में 80 80 टोटल मार्क्स है, 80 का 85% कितना होगा? तो आपने देखा कि 85% इसका हो जाएगा 17 चौक 68, 68 हो जाएगा। ठीक है, 75% तो 60 आ जाएगा इसका, और 65% कितना हो जाएगा? 13 चौक 52, 65% हो जाएगा 52। ठीक है, तो अब इन तीनों को जोड़ दो, तो आपने देखा कि ये टोटल तो 180 हो गया। ठीक है, तो आप बोला है कि 180 जो है वो कितने परसेंट ज्यादा है किससे? 160 से। तो आपने देखा कि कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है किससे? बी से। बी साइंस हिंदी और सोशल स्टडीज में कितने हैं टोटल मिला के? 160 मार्क्स है, तो ये गया 8 पे। 100 बाई 8 कितना होता है? 12.5%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, आपने एंजॉय किया होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया। और एंजॉय करते चलना यार मैथ्स को, टेंशन मत लेना, मैं बैठा हूँ। ठीक है, और ऐसे ऐसे कंसेप्ट और ऐसी ऐसी जगह से आपको बचा लेंगे ना कि आप कहोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, आपके भी 45% से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं मैथ्स में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तो ध्यान से पढ़ते रहे, एक एक बात सुनते रहे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव ने जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें, और यहाँ पे हमने सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस डन कर दिए। थैंक यू।